जय बाबा की। आप सबको प्रणाम। अक्सर देखा जाता है कि आज के भौतिक जीवन में इंसान के जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारे टेंशन होते हैं। किसी का कोई अपना घर का इश्यू होता है, किसी का बिजनेस का इश्यू होता है, किसी का रिलेशन का इश्यू होता है, तो इन सब के बीच में इंसान थक जाता है, हार जाता है। कभी कभी आप देखेंगे कि आप सुबह बिल्कुल ठीक ठाक उठे हैं, लेकिन दिन में वो ऊर्जा आपके भीतर नहीं रह पाती जो ऊर्जा आपको दिन में चलने के लिए चाहिए। आप थका हुआ महसूस करते हैं, शरीर थक जाता है, मन हारा हुआ महसूस करते हैं। तो इस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, मैं एक अपना अनुभव जो मेरे गुरु महाराज ने मुझे सिखाया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप दिन में सुबह शाम या रात को किसी भी समय इसको कर सकते हैं। आप आँख बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं, जिस मुद्रा में आपने देखा है कि ध्यान किया जाता है। दोनों हाथों को सीधे रख के, रीढ़ की हड्डी को सीधी रख के बैठ जाए। आपको किसी माला की जरूरत नहीं है, आपको ओम का उच्चारण करना है और उच्चारण लंबा और थोड़ा गहरा करना है, और ओम को तीन भागों में उच्चारण करना है, ए ऊ मैं। आपको उच्चारण करते समय ये ध्यान रखना है कि जो पहला उच्चारण आपका शुरू होएगा वो नाभि से होगा, ए नाभि से ऊ आपके हृदय तक, और मैं आपके कंठ से आना चाहिए। इस तरह से करें, ओ आप भीड़ में हैं, आपके आसपास कोई है तो आप इसको मन से भी उच्चारण कर सकते हैं, लाइक दिस। इस तरह से आप उच्चारण करें और लगभग 15 से 20 मिनट तक इसको उच्चारण करते रहें बैठ के। जब आप धीरे धीरे इसका उच्चारण करेंगे तो ओम क्या है, ओम से ही ये सारी सृष्टि बनी हुई है, और जब सृष्टिकर्ता के और सृष्टि बनाने वाले के हम संपर्क में आएंगे, ओम के हम संपर्क में आएंगे, ओम का उच्चारण करने से हम अपने अस्तित्व से जुड़ जाते हैं, और हमारे अस्तित्व में आत्मा है और परमात्मा है, तीसरा कोई नहीं है। जब हम अपने अस्तित्व से जुड़ जाएंगे, ओम का उच्चारण करेंगे तो ओम की गहराई में समा जाएंगे, और जब हम ओम में समा जाते हैं तो हमारे शरीर में जो थकान है, मन जो हारा हुआ है, टूटा हुआ है, और जो आपके भीतर बेचैनी है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है या मानसिक कोई रोग है, तो वो धीरे धीरे स्वतः ही ख़त्म हो जाएगा। तो आप 15 से 20 मिनट तक दिन में आप ओम का उच्चारण करें, और बिगर किसी माला के करें, चाहे आप इसको 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, और उसी ध्यान की अवस्था में आप बैठे रहें। तो जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आपको धीरे 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 मन को शांति मिलेगी, शरीर आपका शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। हो सकता है कि उच्चारण के बाद कुछ देर बाद आपको नींद आ जाए, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नींद आ जाती है तो उसका अर्थ ये है कि आप अपने अस्तित्व में समा चुके हैं, और समाने के बाद आप उसी अवस्था में बैठे रहे हैं। अगर आपको नींद आ जाती है तो उसी अवस्था में आप सो जाएं, और उसके कुछ देर बाद आपकी आँख खुल जाएगी। तो आँख खुलने के बाद आप पाएंगे कि आपका शरीर हल्का हो चुका है, मन शांत हो चुका है, जो भी आपको शिकायत थी, जो भी आपकी परेशानी थी, वो अब जा चुकी है। तो आप सदैव अपने अस्तित्व से, अपने गुरुओं से, प्रकृति परमात्मा से जुड़े रहें, इसका अभ्यास करते रहें। जब आपको इसके अभ्यास होंगे और आपके अभ्यास गहरे हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन एक सरल और साधारण हो चुका है। तो आज के लिए है इतना। आपके आत्मा बसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम। जय बाबा।